नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने तूफानी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स करी की शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। दोनों की धमाकेदार पारियों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉनी बेस्टो के शतक के दम पर 302 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 49.4 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज कर ली। इंग्लैंड से मिले 302 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी। पूरी सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर का बल्ला नहीं चला। शुरुआती 2 वनडे में जोफ्रा आर्चर ने उन्हें परेशान किया, वहीं 3रे वनडे में जो रूट ने कमाल की गेंद पर उनको चलता कर दिया। इस पूरे सीरीज के दौरान वॉर्नर रन बनाने के लिए जूझते रह गए। 3रे मैच में वॉर्नर पर एक अच्छी शुरुआत दिलाने का दबाव था। शुरुआत में वो संभल कर खेल भी रहे थे और 32 गेंदों पर 24 रन बना चुके थे। इसी दौरान इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन ने दूसरी पारी की 11वें ओवर जो रूट को फेंकने के लिए दे दी, जो नियमित गेंदबाज भी नहीं है। उन्होंने कमाल कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसे वॉर्नर हक्के बक्के रह गया। वॉर्नर तो बस देखते रह गए और रूट ने उनकी गिल्लियां बिखेर कर रख दी। ऑफ ब्रेक गेंदबाज जो रूट ने जो गेंद फेंकी वो पड़ने के बाद बहुत ज्यादा घूमी और वॉर्नर गेंद को खेलने में लेट भी हो गया। शायद वॉर्नर ने सोचा था कि गेंद पहले आ जाएगी और उसे खेलने के लिए वो पोजीशन में भी आ गए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से चकमा खा गए। रूट की गेंद ने उनकी गिल्लियां बिखेर कर रख दी। आपको बता दें, डेविड वॉर्नर इसके बाद सीधे यूएई पहुंचेंगे, जहां उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ जुड़ना है। वो इस साल टीम की कप्तानी भी करेंगे। आपको बता दें, हैदराबाद का पहला मुकाबला 21 सितंबर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।